हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 235। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स बोला है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हाउ इज़ टी रिलेटेड टू क्यू। ओके, टी का रिलेशन क्यू के साथ क्या है, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसको अगर मैं बनाता हूँ तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, के क्यू इज़ डॉटर ऑफ आर, ठीक है, एंड आर इज़ वाइफ ऑफ डब्लू, आर इज़ वाइफ ऑफ डब्लू। ओके, और उसके बाद W क्या है, W इज़ सन ऑफ S, W सन है किसका, S का, ठीक है, एंड S इज़ हस्बैंड ऑफ P, S क्या है, हस्बैंड है किसका, P का। ओके, हस्बैंड, फाइन। और P आपके पास क्या है, P मदर है किसकी, T की, P मदर है किसकी, T की। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, उसने बोला कि हाउ इज़ T रिलेटेड टू Q, तो T का रिलेशन Q के साथ क्या है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका आपको जेंडर तो पता ही नहीं है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें, आंट अंकल इन दोनों में से कोई वो हो सकता है, इजेंट इट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, सो दैट के एंड एल आर ब्रदर इन लॉ ऑफ ईच अदर। ओके, तो के और एल क्या हो, वो ब्रदर इन लॉ हो। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, आपके पास देखिए, अगर ब्रदर इन लॉ है इसका मतलब इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप आपके पास कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, प्लस वन ज़ीरो 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 माइनस वन, ठीक है, आपको क्या बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब दोनों मेल होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस वन, ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो, ये आपके पास हो जाएगा कितना, प्लस वन। तो यहाँ पर ऑलरेडी ज़ीरो हो रहा है, तो इन दोनों का सम आपके पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके पास ज़ीरो और ज़ीरो इसकी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ज़ीरो ज़ीरो इसकी पॉसिबिलिटी है, ये आपके पास ज़ीरो, ये आपके पास प्लस वन, ये नहीं हो सकता, ये आपके पास ज़ीरो, ये आपके पास ज़ीरो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए आपको जेंडर भी क्लियर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि एल क्या है, ब्रदर है किसका, जे का। ओके, अगर हम बात करते हैं किसकी, के की, तो यहाँ से आपके पास क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ से उसने बोला कि एन क्या है, वो हस्बैंड है किसका, इसका, इसका मतलब ये तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फिर से आपके पास देखिए फीमेल हो जाएगा, ये भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास ब्रदर रहेगा, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास वाइफ हो जाएगी, इसकी इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम बना कर देख लेते हैं एक बार, अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, एट द रेट, और यहाँ पर परसेंटेज पुट करता हूँ, तो देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, एल इज़ ब्रदर ऑफ जे, ओके, एंड जे इज़ डॉटर ऑफ एम, ओके, एम इज़ हस्बैंड ऑफ ओ, ओके, एंड ओ इज़ मदर ऑफ एन, ओ मदर है किसकी, एन की, ओके, एंड एन इज़ वाइफ ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों क्या है, ब्रदर इन लॉ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि के क्या है आपके पास, वो सन है किसका, एन का, ओके, एन आपके पास क्या है, एन मदर है किसकी, एल की, ओके, एल आपके पास क्या है, एल ब्रदर है किसका, डब्लू का, ओके, और डब्लू आपके पास क्या है, वो डॉटर है किसकी, एम की, डॉटर है एम की, फाइन, ये आपके पास मेल हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और उसके बाद एम क्या है आपके पास, देखिए एम सन है किसका, आर का, एम सन है आर का, फाइन। तो यहाँ से अगर हम बात करें, के इज सन ऑफ एम, के सन है एम का, करेक्ट है, एन इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर, करेक्ट है, एम इज फादर ऑफ के, करेक्ट है, आर इज मदर इन लॉ ऑफ एन, आर का जेंडर क्लियर नहीं है तो इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, और एल इज ग्रैंड सन ऑफ आर, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट एन इज ग्रैंड मदर ऑफ एम। ओके, एन क्या है आपके पास, वो ग्रैंड मदर है किसकी, एम की, फाइन। तो यहाँ से अगर हम बात करें, कोड लिख लेते हैं, प्लस वन ज़ीरो 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 माइनस वन, ठीक है।
आपको m से n के बीच में रिलेशन निकालना है, तो देखिए ये आपके पास क्या होना चाहिए, माइनस टू होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोड देखते हैं आपके पास क्या गिवन है। देखिए माइनस वन ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो, ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो, ये आपके पास हो जाएगा माइनस वन, ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो। तो इसके होने की पॉसिबिलिटी है, इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो ये माइनस वन, ये आपके पास प्लस वन, ये आपके पास ज़ीरो, ये आपके पास प्लस वन, ये आपके पास और ज़ीरो। तो नहीं, ये नहीं हो सकता। इसकी अगर हम बात करते हैं तो माइनस वन, ये आपके पास प्लस वन, ये आपके पास ज़ीरो, ये आपके पास माइनस वन, ये आपके पास माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो माइनस वन, ये आपके पास ज़ीरो, ये आपके पास प्लस वन, ये आपके पास प्लस वन, ये आपके पास हो जाएगा प्लस वन। तो नहीं, ये नहीं हो सकता। इसकी अगर हम बात करते हैं तो माइनस वन, ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो, ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो, ये आपके पास हो जाएगा माइनस वन, ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम एक चीज़ जानते हैं कि m का फीमेल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ आपके पास इसका जेंडर क्लियर हो रहा है क्या? उसने बोला कि c इज़ वाइफ ऑफ n, तो ये तो आपके पास मेल हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो c इज़ सन ऑफ n। ठीक है, c का सन है किसका, n का। तो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इसको मैं चेक करूँगा अभी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि c इज़ हस्बैंड ऑफ n, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ इन दैट केस, देखिए कि आपके पास क्या बनेगा कि m इज़ सन ऑफ d, m इज़ सन ऑफ d, ओके, एंड d इज़ मदर ऑफ a, d इज़ मदर ऑफ a, ओके, एंड a इज़ ब्रदर ऑफ b, a इज़ ब्रदर ऑफ b, ओके, एंड b इज़ अ डॉटर ऑफ c, b डॉटर है किसकी, c की, ओके, एंड c इज़ सन ऑफ n, c क्या सन है किसका, n का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका जेंडर कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए आपका ये राइट आंसर नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, फ्यू लाइनेक्स इस विंडोज, कुछ लाइनेक्स आपके पास क्या है, वो विंडोज़ हैं, ओके, एवरी विंडो इज़ एंड्रॉयड, हर एक विंडो के आपके पास एंड्रॉयड है, ओनली फ्यू एंड्रॉयड इज मैक, सिर्फ कुछ आपके पास एंड्रॉयड क्या है, सिर्फ कुछ आपके पास एंड्रॉयड मैक है। उसके बाद फ्यू लाइनेक्स आर नॉट यूनिक्स, कुछ लाइनेक्स आपके पास यूनिक नहीं है, फाइन। अब देखिए उसने कंक्लूजन में हमसे क्या बोला कि एवरी एंड्रॉयड कैन बी यूनिक, हर एक एंड्रॉयड ओके आपके पास यूनिक हो सकता है। तो हाँ, अगर मैं चाहूँ तो यूनिक को तो बड़ा कर सकता हूँ ना, मैं इस तरीके से अगर करना चाहता यूनिक को बड़ा कर देता, इन दैट के सारे सारे एंड्रॉयड आपके यूनिक के अंदर आ सकते थे ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फ्यू विंडोज़ आर नॉट मैक, कुछ विंडोज़ आपके पास ओके वो क्या नहीं है, वो मैक नहीं है। तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है सारे के सारे विंडोज़ आपके मैक के अंदर आ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये गलत है। उसके बाद एवरी मैक कैन बी लिनक्स, हर एक मैक ओके आपके पास लिनक्स हो सकता है, तो हाँ इसकी भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फ्यू यूनिक्स आर नॉट विंडोज़ ओके, कुछ यूनिक आपके पास विंडोज़ नहीं है, नहीं मैं सारे के सारे यूनिक्स को विंडो के अंदर बना सकता हूँ, इसलिए आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसने हमसे बोला कि एवरी यूनिक कैन बी लिनक्स ओके, हर एक यूनिक्स लिनक्स हो सकता है, हाँ इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, उसने हमसे बोला कि नो डिज़ाइन इज लेआउट, कोई भी डिज़ाइन लेआउट नहीं है ओके, एवरी डिज़ाइन इज़ अ इंसर्ट, एवरी डिज़ाइन इज़ अ इंसर्ट ओके। उसके बाद फ्यू व्यू इज़ रिव्यू, कुछ व्यू आपके पास रिव्यू है, यहाँ पर हम पुट नहीं करा सकते हैं, एवरी व्यू इज़ अ लेआउट ओके, हर एक व्यू आपके पास क्या है, लेआउट है, मतलब व्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और उसने कहा था कि कुछ आपके पास व्यू रिव्यू है, तो रिव्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन में उसने हमसे बोला है कि एवरी इंसर्ट कैन बी रिव्यू, हर एक इंसर्ट ओके आपके पास क्या हो सकता है, वो रिव्यू हो सकता है। तो हाँ, मैं अगर चाहूँ तो इसको रिव्यू के अंदर तो बना सकता हूँ ना, इसका मतलब क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फ्यू व्यू आर नॉट इंसर्ट, कुछ व्यू आपके पास ऐसे हैं जो कि इंसर्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें, हम सारे के सारे व्यू को इंसर्ट के अंदर तो बना ही सकते हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद एवरी लेआउट
बींग इंसर्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी हर एक लेआउट का, ओके इंसर्ट होना पॉसिबिलिटी, हाँ इसकी भी क्या है पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फ्यू इंसर्ट कैन बी व्यू, कुछ इंसर्ट व्यू हो सकते हैं, करेक्ट है। उसके बाद एवरी रिव्यू कैन बी डिज़ाइन, हर एक रिव्यू ओके आपके पास डिज़ाइन हो सकता है, नहीं हो पाएगा बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ना वो कभी भी डिज़ाइन के अंदर नहीं जा सकता, तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके नेक्स्ट आपके पास इनइक्वालिटी है, तो डायग्राम बना लेते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। यहाँ पर आपके पास स्मॉलर देन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कॉपीराइट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास पाई हो जाएगा, या आपके पास डॉलर हो जाएगा, या आपके पास परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसने हमसे एच और एन के बीच में रिलेशन पूछा है। एच से अगर मैं एन की बात करता हूँ तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है। जो भी साइन की विनूंगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या की मैंने, देखिए डॉलर मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, परसेंटेज यहाँ पर टिक लगा दिया, पाई के मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। आपके पास अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो गए तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आ सकता। एम से ई की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, जो भी साइन की विनूंगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। परसेंटेज की मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, पाई की मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है। हैश की विन मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। इन तीनों में से हैश प्राइट किसकी, कॉपीराइट की, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, आर और पी की अगर मैं बात करता हूँ तो आर से पी एम राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं, जो भी साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर डॉलर की विन मैंने यहाँ टिक लगा दिया, पाई की विन मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। यहीं से पता चल गया इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आ सकता, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। वाई से अगर मैं जेड की बात करता हूँ तो देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो भी साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करेंगे। पाई गिवन है यहाँ पर टिक लगा दिया, हैश गिवन है यहाँ पर टिक लगा दिया, डॉलर गिवन है यहाँ पर टिक लगा दिया। यहीं से देख लीजिए अलग अलग ग्रुप के यूज़ होकर मतलब इनके बीच हम कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।